वेलकम बैक टू माय चैनल पीए व्लॉग्स। आप लोग देख रहे हैं पीए व्लॉग्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका अपने चैनल पे वापस। तो आज एक बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग की वीडियो, मतलब स्पेशल नहीं, एक चीज़ है मंगवाई है ट्रेंडिंग में, इसमें मैंने सुना है बच्चों के आइटम है। तो देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो और कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक आया हुआ है, मैं मंगवाया है, ज्योमेट्री है, सुपर हीरोज़ का ज्योमेट्री है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या, मतलब बहुत प्लेन चीज़ है, बहुत नॉर्मल ज्योमेट्री है, पर नहीं। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस ज्योमेट्री की खासियत क्या है। तो सबसे पहली बात हम जो करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ अलग सा ये है इस ज्योमेट्री में। सबसे पहले कि यहाँ पर हमें चार रोलर्स दे रखे हैं। उन चार रोलर्स का क्या मोटिव है, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मोटिव है इसका। अब ये है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत होता है, मतलब बहुत ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है कि बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमारी चीज़ें गायब हो गई, पेंसिल गायब हो गई। तो मतलब पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है कि ऐसे कौन चोरी कर रहा है। तो उसी के लिए एक नया आइटम आई है बच्चों के लिए, कि इसमें क्या है, अभी इसमें पासवर्ड है। यहाँ पर ये जो चार रोलर दे रखे हैं ना, इसमें वही 1 to 9 नंबर दे रखे हैं हर एक रोलर पर। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ज्योमेट्री है, तो आप इसमें अपनी पेंसिल्स रखो। जो छोटे बच्चे हैं, जिन जो स्कूल जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मतलब उनका ये चोरी हो गया, कुछ चोरी हो गया, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पेरेंट्स के लिए भी है, कि बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पेरेंट्स की भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे मैं बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक शॉर्पनर का कंपार्टमेंट दे रखा है। आपको शॉर्पनर की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लेने की, कुछ नहीं, आप इसमें अपनी पेंसिल्स रखो और इरेजर, बस शॉर्पनर की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्पनर के लिए आपको, अगर शॉर्पनर खोलना है तो आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा जो सबसे ऊपर दे रखा है। कंपास नीडल दे रखी है, कंपास नीडल के ऊपर दे रखा है जो बटन, इसको आपको प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर ऊपर आ चुका है, ये बॉक्स की तरह है, पॉपअप बॉक्स की तरह है शार्पनर। इसमें यहाँ पर इसे पेंसिल को शार्प करने के लिए दे रखा है। और जैसे अब आपने शार्प कर ली, तो यहाँ पर आप कोई, यहाँ पर मतलब सोर्स नहीं है, इसे आप बाहर करके कहीं से उसका जो कूड़ा है वो निकाल सको। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से हल्के से पकड़ना है, इस साइड से, जिस साइड से आप पेंसिल डालोगे, यहाँ से इसको पकड़ के हल्का सा लिफ्ट करना है। ये उल्टी साइड से होगा, मतलब इधर से नहीं करना है आपको, आपको इस साइड से करना है, अपोजिट साइड से, जिधर से आप पेंसिल डालोगे उसके अपोजिट साइड से लिफ्ट करना है। तो यहाँ से आपका सारा जो भी पेंसिल का कचरा होगा वो बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे इसे क्लीन कर सकते हो। वैसे ही से बस बंद कर दो और ये यहीं से खुलेगा। तो इसे करता हूँ बंद और नेक्स्ट चीज़ पर चलता हूँ। इसे प्रेस करके, अंदर प्रेस करके बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों के लिए कंपास नीडल दे रखी है, इसका वैसे कोई यूज़ है नहीं, लेकिन स्टिल वो शो के लिए दे देते हैं बच्चों का, क्योंकि ज्योमेट्री है, बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। अब नीचे एक और आप बटन देख रहे होंगे, ये बटन इसलिए है कि ये बटन है, दबा करके दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये प्रेस करा, नीचे कंपार्टमेंट खुल गया हमारे पास छोटा सा, और इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा पासवर्ड टाइप दे रखा है, मतलब नंबर लिख रखे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में है, बाकी नंबर चाइनीज लैंग्वेज में नहीं है। यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है 1171, यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है। तो अब आप देख रहे हो कि ये है हमारा पासवर्ड, यहाँ पे होता है हमारा पासवर्ड, जो भी ले रहा है, जो भी पेरेंट्स ले रहा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये है, यहाँ पर हमारा पासवर्ड होता है। और जो ये रोलर्स दे रखे हैं हमें, अब हमें इस पासवर्ड को इन रोलर्स पर एक एक करके सेट करना होगा। तो जैसे नंबर है 1171 है, तो पहले रोलर पे मैं 1 सेट करूँगा। ये ऊपर, सबसे ऊपर आप बीच में देखोगे तो हर एक पे डॉट दे रखी है, मतलब ऊपर 3D प्रिंट में है, जिससे आपको दिख जाएगा, समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर मैंने पहले पे सेट करा 1, फिर अब मैं करूँगा फिर से 1, अब करूँगा 7 और अब करूँगा 1। तो यहाँ पर मैंने 1171 सेट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप हमेशा, ये है कि आप इसमें आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते, आपको ये पासवर्ड हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा, वरना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये याद हो ही जाता है। और ये हर एक ज्योमेट्री के साथ अलग आता है, जहाँ तक मेरे को लगता है तो ऐसा ही है कि मतलब ये हर एक ज्योमेट्री के साथ अलग आता है। तो कोई भी, अगर आप दो फ्रेंड्स या दो बच्चे एक क्लास में, सेम क्लास में मंगवाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उस बच्चे के पास भी सेम चीज़ है तो वो पासवर्ड से मेरा खोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में पासवर्ड्स अलग ही आते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है, तो इसलिए हर बार अलग बन के आते हैं। तो इसमें आप इरेजर रख लो, इसको पासवर्ड को निकाल के कहीं भी संभाल के रख लो, आपको रखना है तो, बाकी याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटो ले करके रख सकते हो ताकि याद रहे। तो इसमें इरेजर रख लिया, इसे करते हैं बंद। अब यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर 1 हमने सेट कर लिया, 1171 था, तो यहाँ पर 1
7 1 मैंने अब सेट कर लिया है। तो अब इसमें यह है कि आपको जो पीछे वाला जो यहाँ पर पीछे भी कंपार्टमेंट दे रखा है, जो पीछे रखने की स्पेस है, ये आपकी बिना पासवर्ड के खुल जाएगी शायद से। नहीं, ये भी बिना पासवर्ड के नहीं खुलती है। इसके लिए भी मतलब जैसे आपने पासवर्ड को एक बार, मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड मतलब गलत वाला सेट कर दिया कुछ भी रैंडम, उसके बाद अगर ये यहाँ पे हमें छोटा सा बटन दे रखा है, इसे हमें राइट हैंड की तरफ राइट साइड इसे स्लाइड करूँगा तो पीछे वाला बॉक्स खुल जाएगा। और ऐसा ही करके ये खाली ये वाला पीछे वाला बॉक्स भी इसको स्लाइड करने के बाद ही खुलेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि या कोई और आपका ज्योमेट्री बॉक्स खोलने की कोशिश करे, तो पहले हमें पीछे सामान रखना ही नहीं है, हमें पीछे सामान रखना है कम। ये पर्पस इसका ये है कि बच्चे आगे सामान रखते हैं, पीछे कम सामान होता है, पीछे स्केल वगैरह होता है, आगे आप अपने महंगे पेन पेंसिल्स सारी जो आपकी वैल्यूएबल आइटम्स हैं आप आगे की साइड रखो जहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत है। तो पासवर्ड लगाता हूँ 1 1 7 1 सेट कर दिया। अब वही हमें करना है। अब हमें क्या करना है कि जैसे आप लोगों को पता है, पता चल ही चुका है कि हम जब इसे स्लाइड करते हैं और पासवर्ड गलत होता है तो ये पीछे वाला कंपार्टमेंट खुल जाता है। तो हमें इसको ज्योमेट्री बॉक्स को ऐसे होल्ड करके रखना है और उसके बाद स्लाइड करना है ताकि हमारा पीछे वाला वो ना खुल जाए। तो हमें से यूँ स्लाइड करा और इसको ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट करा था। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे करना है अगर किसी को ना समझ में आया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो यहाँ पर हमें पासवर्ड मिलेगा छोटा सा लिखा हुआ नंबर, इसको हमें यहाँ जो रोलर्स दे रखे हैं उनके टॉप पर पॉइंट है कि हमें वो वहीं पर लॉक अनलॉक होगा वहाँ से। तो यहाँ पर जो 1171 दे रखा है पासवर्ड, यहाँ पर 1 लगाया, फिर 1 लगाया, फिर यहाँ पर 7 लगाया, फिर 1 लगाया। तो और जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है वो आप लोगों को पता है कि इसे स्लाइड करते ही खुल जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा हैंड लगा के रखना है ताकि दिक्कत ना हो। तो इसे फिर से हमने स्लाइड करा और ऊपर वाला ये खोल लिया, ये खोल लिया हमने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं खुल चुका है। अब आप देखो इसमें आप पेंसिल रखो, यहाँ पर छोटा सा टाइम टेबल दे रखा है बच्चों को जो स्कूल में मिलता है डायरीज के पीछे, वहाँ पर यहाँ पर टाइम टेबल लगा लो अपना, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी रखो, आपकी सारी चीज़ सिक्योर है इसके अंदर। तो इसमें और भी काफ़ी सारे प्रिंट्स आते हैं, मैंने देखे हैं, मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया है ये। पहले इसका ना प्राइस बहुत ज़्यादा था जब मैं मंगवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इसके प्राइस में थोड़ा ड्रॉप आया है क्योंकि मैंने देखा है कि जो और बेचने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हो सकता है शायद कॉम्पिटिशन है, जो भी है, जो भी रीज़न रहा है, जिस भी वजह से कम हुए हैं प्राइस, लेकिन बहुत ज़्यादा का फ़र्क आया है। मतलब जब मैं इसे मंगवाना चाह रहा था ये चीज़, तो ये चीज़ थी, मतलब ये ज्योमेट्री था 650 समथिंग का चल रहा था और अब ये 343 मतलब 400 के बीच में चल रहा है विद फ्री शिपिंग के साथ, अगर आपके प्राइम मेंबरशिप है या फिर आप किसी प्राइम अकाउंट से ऑर्डर करते हो। तो यही है, बहुत अच्छी चीज़ आप मंगवा सकते हो। मैं अगर आपको मंगवानी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले ही लिंक मिल जाएगा आपको, जा करके देखना ज़रूर, एक बार ही देखना। अगर वहाँ पर आप खरीद भी लो तो ये वीडियो इसीलिए है कि आप खरीदो। तो आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आए कि ये, क्योंकि मैं मेरा एक फ्रेंड है उसके उसने अपने छोटे भाई के लिए मंगवाया था, तो मेरे को उसको भी यही बात, उसको भी यही दिक्कत हुई, तो उसे कॉन्टैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो सेलर से जिससे उसने मंगवाई थी, तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसीलिए मंगवा लिया एक और, कि चलो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा अगर आप कोई मंगवाता है, किसके पेरेंट्स मंगवाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो आप देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और शेयर करनी है ताकि और भी लोगों को पता चले कि किसी को दिक्कत ना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टिल देन बाय।